Hello there everyone, what's up and how you all are doing? So this is KP Science and welcome back to my channel. So in today's video, I am going to share like a huge Myntra plus Urbanic haul. I got my hands on so many outfits and things, so that is what I'm going to share in today's video. So if you have not subscribed my channel yet, please subscribe my channel, like this video, share with your friends and do let me know in the comment section box which outfit was your particular favorite. Sari outfits ke link jo hain aapko description mein mil jayenge, jitni bhi honge jinke main available karwa paungi wo sab aapko milenge description mein. Do follow me on Instagram, I would be providing the Insta handle on the screen and in the description as well. So without wasting any further time, let's get rolling. Starting off with the first outfit. Okay, so the first thing I got is a pair of trousers. So these are like a jogger style trousers. White color में है, you get these kind of you know elasticated bands at the back. Front में आपको इस type का you know normal जो प्लेटेड होती है बैंड सी वो मिल जाती है एंड आपको नीचे भी यहाँ पे मिल जाता है. ये प्राइजेस आपको स्क्रीन पे अवेलेबल होंगे एंड इसको साथ में पेयर करने के लिए आई गॉट दिस बेसिक यू नो सॉलिड ब्लैक टी. सो एक्चुअली ये मैं आपको फोटो में दिखाऊंगी, ये हाफ स्लीव शो हो रही थी. मैंने इसको इसलिए ऑर्डर किया था बट जब ये मेरे पास आई ये फुल स्लीव थी, बट लाइक आई वॉज ओके विद इट, तो मैंने इसको चेंज नहीं किया, मैंने इसको वही रख लिया. सो इसका यहाँ पे हाई नेक है, क्रॉप लेंथ है इसकी और इसकी फुल स्लीव्स है. सो द नेक्स्ट थिंग आई गॉट इज अ टी शर्ट. बेसिकली दिस इज ए यू नो रैपिड ड्राई टी शर्ट. आई गॉट दिस फॉर माई जिमिंग पर्पज एंड ये उल्टी हुई पड़ी है, मैं इसको सीधा कर लेती हूँ फटाफट. ओके सो ये है फ्रॉम द ब्रांड एच आर एक्स. अगेन प्राइजेस एंड एवरीथिंग आपको मिल जाएंगे स्क्रीन पे. नेक्स्ट थिंग आई गॉट इज एक्चुअली अ पेयर. लाइक ये फोर टी शर्ट का एक पेयर था जिसमें आपको दो फुल स्लीव एंड दो हाफ स्लीव टी शर्ट मिल जाती हैं. सो दीज आर द टी शर्ट. यहाँ पे एक मेरे पास हाफ स्लीव ब्लू नहीं है बिकॉज वो धुल्ले में गई हुई है. ओके सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ हाफ स्लीव टी शर्ट किस टाइप की है. नॉर्मल बेसिक टी जो होती है प्लेन, दिस इज फ्रॉम रोडस्टर एंड बहुत ही अमेजिंग है, अच्छी सी है. लाइक आपको ना इसकी स्लीव को प्रॉपरली प्रेस करना पड़ेगा बिकॉज ये इस टाइप से टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है. सो दिस इज आपको इसमें मिल जाता है एक व्हाइट कलर, एक मिल जाता है इस टाइप का लाइट ब्लू एंड जो फुल स्लीव टी शर्ट्स हैं उसमें आपको ये दो कलर्स मिल रहे हैं, एक है डार्क नेवी ब्लू एंड द वन इज दिस पिंक वन. मेरा जो इसमें साइज है वो है एस, द ब्रांड है रोडस्टर एंड 700 में यू आर गेटिंग लाइक फोर टी शर्ट्स. ये धोने के बाद थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, लाइक अगर आपको पता होगा टेढ़ी किस टाइप में मैं कह रही हूँ. ओवरऑल कपड़ा जो है मटेरियल बहुत ज्यादा अच्छा है. सो यार द नेक्स्ट थिंग आई गॉट इज अ ट्राउजर. दिस इज फ्रॉम एम ए जी आर ई, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, इट्स मैग्रे और मागरे, आई डोंट नो. सो ये एक ब्लैक कलर का ट्राउजर है, मैं आपको दिखा देती हूँ खोल कर. ओके दिस इज हाउ द ट्राउजर लुक लाइक. इसका जो आपको यू नो ऊपर का टॉप होता है वहां पे आपको चेन के बजाय बटन्स मिल रहे हैं इस टाइप के. लाइक यहाँ पर चेन नहीं है, यहाँ पे बटन्स हैं इस टाइप के, तो आपको बटन्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ता है. मेरा जो इसमें वेस्ट साइज है वो है 28. एक्चुअली मैंने ऑर्डर किया था पहले 30 बिकॉज मुझे ये था कि हिप साइज से 30 परफेक्ट आएगा, बट देन मुझे ऊपर वेस्ट से, क्योंकि एक हाई वेस्टेड ट्राउजर पैंट्स हैं तो मुझे वेस्ट से थोड़ा सा लूज पड़ रहा था. सो आई गॉट माई हैंड्स ऑन द साइज 28 एंड इनके अभी तक टैग्स भी नहीं उतरे हुए हैं. फुल लेंथ आपको यहाँ पे मिल जाती है, नीचे से आपको इस टाइप का यू नो थोड़ा सा बॉटम जो है बेल्ट स्टाइल में मिलता है एंड बेल्ट नीचे भी आपको इस टाइप के यहाँ पे बटन्स मिलते हैं एंड ये बटन्स ओपन भी हो जाते हैं. लाइक अगर आपको किसी को शौक हो कि नीचे से ऐसे फ्लोई फ्लोई होना चाहिए तो ये बटन्स यहाँ से ओपन भी हो जाते हैं. मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ, ये देखो यहाँ से इस टाइप से यू कैन ओपन अप द बटन्स एज वेल इस तरीके से, बट मैं इन बटन्स को क्लोज ही रखने वाली हूँ बिकॉज उससे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड लुक मिलती है. सो दिस इज द ट्राउजर, ये डालने के बाद कैसी लगती है. ओके सो दिस इज द लाइक ट्राउजर पैंट्स. यू गाइस कैन सी फ्रंट से बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रहा है एंड इट हैज गॉट दीज 1 2 3 4 5 6 7 बटन्स. यहाँ पे 7 बटन्स इसके मिल रहे हैं. फ्रंट आप देख रहे हो बहुत ही हाई वेस्टेड काइंड ऑफ पैंट्स हैं. इफ यू वांट आप इसके साथ बेल्ट अटैच कर सकते हो. बहुत ही ज्यादा शीक लग रही है एंड बहुत ही ज्यादा फॉर्मल लुक दे रही है. लाइक अगर आप इसको फॉर्मल क्लोथ के साथ डालना चाहो ना तो ऑब्वियसली टोटली यू कैन वेयर इट. बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा है. यू गेट दिस यू नो पॉकेट्स बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी पॉकेट्स है, लाइक हैंड साइज पॉकेट्स है, तो आई डोंट थिंक सो फोन इसमें सेट होने वाला है. अदरवाइज फ्रंट से यू कैन सी दैट इट इज लुकिंग सो गुड.
आपको यहाँ पे इलास्टिकेटेड नहीं मिल रहा है। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट कि आपको, तो अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए जिसमें यहाँ पे इलास्टिक हो तो आपको ये नहीं लेना चाहिए। अगर आपको इलास्टिकेटेड कपड़े डालने की आदत है, क्योंकि यहाँ पे इलास्टिक नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल बैंड है, तो आपको अपने साइज के बिल्कुल अकॉर्डिंग ही मंगवाना पड़ेगा। यू कैन नॉट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द इलास्टिसिटी। बिल्कुल भी ये वो नहीं है, स्ट्रेचेबल नहीं है, नॉर्मल साइज का। तो मैं नीचे से दिखाती हूँ नीचे से किस टाइप का लग रहा है। दिस इज हाउ द ट्राउजर पैंट्स आर लुकिंग। बहुत ही अमेजिंग लग रही है। एंड यू कैन सी नीचे से, बॉटम से यू आर गेटिंग दिस टाइप ऑफ थिंग। लाइक अच्छा लग रहा है बहुत ही ज़्यादा। सो या, दिस इज लुकिंग रियली रियली क्यूट एंड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। सो दिस इज हाउ द पैंट्स आर लुकिंग लाइक। बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। आई लव्ड इट्स क्वालिटी। मुझे इसमें कोई भी कमी नहीं लगी इन पैंट्स में। बहुत ही ज़्यादा, यू नो, इफ़ यू वॉन्ट आप इसको क्रॉप टॉप के साथ पेयर कर सकते हो। अगर आपको फॉर्मल वेयर के लिए चाहिए, लाइक ऑफिस वगैरह के लिए, तो यू कैन ऑल्सो वेयर इट लाइक दिस। किसी टी शर्ट के साथ आप इसको पेयर कर लो। एंड यू नो, ये आपकी वेस्ट को बहुत ज़्यादा स्लिम दिखाता है। एज यू गाइज कैन सी, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फिटिंग है। सो आई जस्ट लव दिस पैंट्स। सो हेयर इज दिस टॉप, लाइक क्रॉप ब्लैक कलर का यहाँ पे ये टॉप है। ऑब्वियसली मैंने इसके साथ पेयर करने के लिए नहीं मंगवाया, बट मैं अभी सिर्फ दिखा रही हूँ। सो यहाँ पे आपको फुल स्लीव नहीं मिल रही है, इतनी स्लीव मिल रही है, जो मेरे को कुछ ज्यादा खास अच्छी नहीं लगी। क्योंकि या तो फुल स्लीव अच्छी लगती है या फिर हाफ अच्छी लगती है, बट ये यहाँ पे खत्म हो रही है। मुझे इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्यों है। स्लीव मुझे इसकी उतनी कुछ खास नहीं लगी। एंड ऑल्सो इसमें से ना ये धागे से निकल रहे हैं, एज यू गाइज कैन सी, विच इज आई थिंक यहाँ से भी थोड़ी सी लूज है। तो मुझे स्लीव इसकी इतनी ज्यादा खास नहीं लगी। मैंने बेसिकली रिटर्न इसलिए नहीं करी क्योंकि डल जाती है कभी ना कभी, थोड़ा स्ट्रेच स्ट्रुच करके नहीं आगे हो जाती है। ओके, नॉर्मल लेंथ है, स्ट्रेचेबल की अगर मैं बात करूँ ना, बहुत अच्छा खासा स्ट्रेच हो रहा है। स्ट्रेचेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टाइप का आपको क्रॉप लेंथ मिल रहा है, एज यू गाइज कैन सी। ये मेरे को थोड़ा सा लूज है, मुझे इसको थोड़ा सा फिट करवाना पड़ेगा। आपको इस तरीके से क्रॉप लेंथ यहाँ पे मिल रही है। इसका जो नेक है ना, मैं आपको इसका नेक दिखाती हूँ। इसका नेक बिल्कुल भी अच्छे से डिफाइंड नहीं है। लाइक एक होता है ना कि हाई नेक बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, वो चीज़ इसमें बिल्कुल भी नहीं है। एज यू गाइज कैन सी, टेढ़ा मेढ़ा है। इसको जितना मर्जी प्रेस कर लो ये सही नहीं होता है, विच इज अगेन समथिंग आई डिडेंट लाइक, क्योंकि इसका नेक बहुत अजीब सा है। अगर इसका नेक अच्छा होता ना तो ये अच्छा लगता, बट इसका नेक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा सा है। लाइक यू कैन क्लियरली सी ये किस तरीके से हो रहा है। बिल्कुल भी इसको हम हाई नेक तो कहीं से नहीं कह सकते। सो दिस इज हाउ द टॉप लुक्स लाइक। अगर मुझे उस टॉप को रेट करना होता, रेट 5 out of 10, बिकॉज ऑनेस्टली मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा। सो लेट्स सी इसके साथ जो मैंने नीचे वाला ट्राउजर मंगवाया था वो इसके साथ कैसा लग रहा है। सो अगर ट्राउजर की बात की जाए, दिस इज हाउ द ट्राउजर इज लुकिंग। आपको यहाँ फ्रंट पे ये सिर्फ एक सिंगल बटन है, यहाँ पे कोई चेन वगैरह नहीं है। आपको सिर्फ इस टाइप का बटन मिल रहा है। यहाँ पे बेल्ट है, मतलब बेल्ट प्लेटेड स्टाइल है, ताकि यू नो, अगर आपको इसके साथ बेल्ट वेयर करनी हो तो आप कर सकते हो। एंड बैक पे यू कैन सी, यहाँ पे आपको इस टाइप का वो मिल रहा है, यू नो, स्ट्रेचेबल वाला मिल रहा है। ओके, इसकी पॉकेट्स जो है ना वो बहुत अच्छी खासी लंबी नहीं है। यू कैन सी यहाँ तक इसकी पॉकेट्स ही हैं। ये थोड़ा सा सी थ्रू है। लाइक अगर आप इसको डाल के धूप में निकलोगे ना, अगर आप इसके नीचे कुछ डार्क वेयर कर लोगे तो वो क्लियरली विजिबल होता है। आपको इसके नीचे कुछ स्किन कलर का ही वेयर करना पड़ेगा ताकि वो विजिबल ना हो, वरना धूप में वो पक्का दिखने वाला है। ये इतना सी थ्रू है पीछे से, ठीक है। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। मैं आपको बैक से भी दिखा देती हूँ, ठीक है। इस टाइप का कुछ ये लग रहा है। इसका नीचे से अगर हम बात करें कि नीचे से किस टाइप का है, इसका जॉगर स्टाइल है। बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। कंफर्टेबल की अगर मैं इसमें बात करूं तो ये उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ना मुझे ये पेट से थोड़ा सा टाइट लगता है। मुझे ये लग रहा है कि अगर ये पूरी बेल्ट दे देते ना तो ज्यादा अच्छा होता है इसके साथ, क्योंकि ये वैसे सूट नहीं कर रहा है इसमें, आगे बेल्ट और वो पीछे। बाकी अगर कपड़े की बात करें जाए, कपड़ा अच्छा खासा है, कपड़ा भी स्ट्रेचेबल नहीं है, दैट इज द ओनली थिंग। एंड जो इसका नीचे से है ना, ये नीचे से बहुत ज्यादा कड़क है, जो इसकी ये वाली चीज होती है नीचे, ये वाली, ये बहुत ज्यादा कड़क है, तो इतना कंफर्टेबल नहीं है डालने के लिए। तो ये जो पूरा आउटफिट है, आई विल रेट इट लाइक 6 or 7 out of 10, क्योंकि इतना ज्यादा कंफर्टेबल भी नहीं है, उतना ज्यादा अच्छा भी नहीं लग रहा। लाइक ठीक ठाक लग रहा है। आई विल मेंशन अ पिक्चर यहाँ पे, जो इसको मैंने डाल के इंस्टाग्राम पे अपलोड करती है। एंड ऑल्सो इफ यू आर नॉट फॉलोइंग मन इंस्टाग्राम, फटाफट जाके करो, इंस्टा हैंडल स्क्रीन पे आ रहा होगा। सो आई लाइक दिस आउटफिट, बट ओके ओके आउटफिट है। तो या, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस टी शर्ट आई गॉट फ्रॉम HRX। सो ये कुछ इस टाइप की है। लाइक आपको फ्रंट यहाँ पे रेड मिल रहा है, यहाँ पे ये एक्स का साइन है, साइड्स आपको ब्लैक मिल रही है, एंड बैक पे आपको HRX लिखा हुआ मिल रहा है।
सो इफ आई टॉक अबाउट दिस टी शर्ट, इसका रैपिड ड्राई क्लोथ है, ये कॉटन टी शर्ट बिल्कुल भी नहीं है. तो अगर आप सोच रहे हो कि कॉटन की टी शर्ट है तो ये वैसी बिल्कुल भी नहीं है, इसका रैपिड ड्राई कपड़ा है, बहुत ही अच्छी है, फिटेड मिल रही है. मेरा जो इसमें साइज है वो है स्मॉल. आपको ना ये बॉडी हगिंग काइंड ऑफ लगती है, एंड मतलब बहुत ही अमेजिंग सा सॉफ्ट सा कपड़ा है. डालने के बाद यू विल फील कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील हो रहा है एंड बॉडी हगिंग है. बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टी शर्ट है. एंड जो मैंने इसको बाय किया था ऑब्वियसली इट वॉज ऑन सेल, सो लाइक विच इज़ अ रियली गुड थिंग. सो मुझे ये टी शर्ट बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, नॉर्मल बेसिस के लिए नहीं, सिर्फ जिमिंग पर्पज़ के लिए. सो आई रियली रियली लाइक दिस टी शर्ट. So this is how the t-shirts are looking. Like मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही डालकर दिखा रही हूँ. This is from Roadster और size इसमें small है. So sleeve length आपको अच्छी खासी मिल जाती है, like आपको पूरा लंबी मिलती है, stretchable भी बहुत अच्छी खासी है. As you can see length भी अच्छी है, बहुत ज़्यादा crop नहीं है, बहुत ज़्यादा long नहीं है, but इसमें neck ना थोड़ी बहुत fold हो जाती है इस तरीके से, तो आपको बार बार सही करना पड़ता है. So चार colors आपको यहाँ पर मिलते हैं as you can see, and length सही है. लाइक जिन लोगों को ज़्यादा क्रॉप डालने की आदत नहीं होती उनके लिए भी बिल्कुल परफेक्ट है. एंड बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है डाला हुआ. लेकिन सी कि यहाँ पर ना थोड़ा सा कलर डिफरेंस हो गया है एक वॉश के बाद में, लाइक थोड़ी सी डार्क है कहीं से, थोड़ा सा लाइट है. अदरवाइज़ ओवरऑल जो स्टफ़ है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, कम्फर्टेबल बहुत ज़्यादा है. इफ़ यू वॉन्ट आप इसको कैसे भी तरह स्टाइल कर सकते हो, यू नो, आगे से फ्रंट नॉट करके या फिर साइड नॉट करके, जैसे भी आप इसको स्टाइल कर सकते हो. एंड इट्स लाइक अ रियली गुड टी शर्ट. सो अब बात कर लेते हैं अर्बैनिक की. जो मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट पार्सल है अर्बैनिक से, उसमें आई गॉट अ मिनी नेकलेस. ओके सो दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक. लाइक बहुत ही अच्छी मुझे इसकी पैकेजिंग लगी, जिस तरीके से मुझे रिसीव हुआ था बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रहा था. तो यहाँ पे मैंने जो ऑर्डर किया था दैट इज दिस हार्ट चेन्ड. Wait a second, I need to look कि ये कहाँ पे है. Okay, here it is. बहुत ही ज्यादा क्यूट नेकलेस है, as you guys can see. This is how the necklace looks like. बहुत ही ज़्यादा सुपर 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 क्यूट है. वेन यू वेयर इट ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है. लाइक यू कैन लिटरली सी इसमें छोटा सा हार्ट बना हुआ है विच इज़ लुकिंग सुपर क्यूट. अगर आपने कुछ यू नो बेसिक सा डाल रखा है, कुछ सॉलिड टी डाल रखी है, सॉलिड ड्रेस डाल रखी है, कुछ भी उस टाइप में ना ये नेकलेसेस बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं. एंड बहुत ही छोटू सा है, दैट इज़ द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट इट. लाइक मैं आपको दिखाती हूँ, टेक अ लुक, इट्स सो क्यूट. एंड इट जस्ट रिटेल फॉर 99 rupees, विच इज आई थिंक अ रियली गुड प्राइस फॉर अ नेकलेस लाइक दिस. चेन की क्वालिटी वगैरह भी बहुत अच्छी है, बट द ओनली थिंग आई डिडंट लाइक इज जब ये मैंने ऑर्डर किया ना, ये इसका टूटा हुआ मिला मुझे, ये चीज, ये थोड़े ना जिसमें बड़े होल्स है, क्योंकि ये बड़े होल्स इसमें लगी होंगे तभी ये हुक उसमें टाई हो पाएगा, वरना वो इतने छोटे होल्स में हुक नहीं जा रहा है. तो मुझे ये टूटा हुआ रिसीव हुआ, दैट वाज अ लिटिल बिट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कि ये मुझे टूटा हुआ मिला, मुझे खुद जोड़ना पड़ेगा, वरना तब तक मैं इसको वेयर नहीं कर सकती. सो दैट इज द ओनली थिंग विच आई लाइक डिडंट लाइक, अदरवाइज दिस इज अ सुपर सुपर क्यूट नेकलेस. ओके सो लेट्स सी द क्लोथिंग आइटम्स विच आई गॉट फ्रॉम अर्बैनिक. द फर्स्ट वन इज दिस टॉप. ये एक्चुअली मैंने ऑर्डर किया है टू पेयर इट विद द ब्लैक ट्राउजर, जो मैंने ब्लैक ट्राउजर अभी आपको दिखाया था उसके साथ पेयर करने के लिए. बहुत ही ज्यादा क्यूट टॉप है, लाइक मैं आपको दिखाती हूँ. इसमें ये आपको स्ट्रिंग मिल रही है, ये मैं आपको बताती हूँ कि ये क्यों मिल रही है. दिस इज हाउ द टॉप लुक्स लाइक. लाइक जस्ट टेक अ लुक हाउ क्यूट इट इज. आपको इस टाइप की ना यहाँ पे स्ट्रैप्स मिल रही हैं, एंड दिस इज हाउ द टॉप लुक्स लाइक. इस टाइप का है, नीचे से थोड़ा सा पेपलम स्टाइल है. एंड जो स्ट्रिंग है ना, ये एक्चुअली यहाँ पर लगनी है इस तरीके से, क्रिस क्रॉस में यहाँ पे ये स्ट्रिंग्स अटैच होंगी, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा. सो दिस इज द फर्स्ट टॉप विच आई गॉट. ओके सर, नेक्स्ट अब आई गॉट अ जीन्स. सो ये एक लाइट ब्लू कलर की डेनिम है, नॉट लाइट ब्लू. दिस इज हाउ द जीन्स लुक लाइक. एक हाई वेस्टेड जीन्स है, इसमें जो मेरा साइज है दैट इज 29. द बेस्ट थिंग विच आई फाउंड इज दैट कि 28 और 30 अगर किसी को नहीं आ रहा ना, नहीं सेट बैठ रहा, तो 29 साइज भी है. सो आई गॉट माई साइज 29, बट आई थिंक अगर मैं 28 मंगवाती ना तो वो भी मुझे आ जाता. सो ये बेसिकली एक रग्ड जीन्स है. यहाँ पे आपको रग्डनेस मिल रही है, यहाँ पे आपको नीज से पूरी रिप जीन्स मिल रही है, एंड ये एक स्ट्रेट लेग जीन्स है. एंड इसके साथ पेयर करने के लिए जो टी शर्ट मैंने ऑर्डर करी है वो है ये वाली. सो बेसिकली एक हाई नेक, बहुत हाई नेक नहीं है, थोड़ा सा टर्टल नेक टाइप है, हल्का सा यहाँ पे आपको नेक मिल रहा है,
नॉर्मल जो स्लीव्स होती हैं वो मिल रही हैं आपको। यहाँ पे आपको दो साइड से इस तरीके की स्ट्राइप्स हैं। बेसिकली ये कोई टी शर्ट नहीं है, दिस इज अ बॉडी सूट एज यू कैन सी इन द बॉटम। ये इस टाइप का ना बॉडी सूट है एंड नीचे से आपको यहाँ पे इस टाइप के हुक वाले बटन मिल रहे हैं ताकि आप इनको यू नो इस तरीके से बंद कर सको। द मटेरियल इज लाइक रियली सॉफ्ट। मुझे ये लगा था मे बी बॉडी सूट है तो नीचे से क्या पता थोड़ा टाइट हो या चुभे, बट ऐसा कुछ नहीं है। टी शर्ट का मटेरियल इतना ज्यादा अच्छा है एंड सेम मटेरियल नीचे है, तो अगर मतलब आप इसको बंद भी कर रहे हो ना, यू विल नॉट फील कि आपने एक बॉडी सूट वेयर किया हुआ है। बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट लगता है ये डालने के बाद। दिस इज हाउ द टॉप लुक्स लाइक। तरीके की फ्रिल्ड स्ट्रैप्स मिल रही है। यहाँ फ्रंट पे भी आपको इसी तरीके का फ्रिल सा डिजाइन मिल रहा है। यहाँ पे आपको ये छोटे छोटे से राउंड्स मिल रहे हैं एंड बेसिकली ना यहाँ पे वो स्ट्रिंग अटैच होनी थी। सीन द पिक्चर, ये ऐसे क्रिस क्रॉस करनी है, उसके बाद ये मे बी टॉप अच्छा लगे, क्यूट लगे, सो मैं इसको अटैच करूंगी बाद में। ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इस ट्राउजर के साथ ना ये इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगा, बिकॉज इस ट्राउजर के साथ ये पेपलम स्टाइल जो है बिल्कुल सूट नहीं कर रहा। तो लेट मी जस्ट सी इसको इन करने के बाद कि ये कैसा लगता है। ओके, इन करने के बाद ये एक्चुअली बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। इट इज लुकिंग सुपर क्यूट। मैं आपको इसका बैक दिखा देती हूँ। दिस इज हाउ द बैक लुक्स लाइक। लाइक अच्छी खासी है। यहाँ पे आपको यू नो वो जो वो वाला होता है ना स्मोक्ड वाला काइंड ऑफ नेट होता है वो मिलता है एंड इसके साथ ये इन करने के बाद बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है। लाइक ये बहुत ही ज्यादा यूनिक सोफिस्टिकेटेड एंड शीक काइंड ऑफ वाइब दे रही है, जो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है एंड आई एम टोटली लविंग इट। मे बी मैं इस वाले टॉप को इसके साथ वेयर ना करूं एंड किसी नॉर्मल जीन्स के साथ पेयर करूं, बिकॉज इसके साथ मुझे कुछ डिफरेंट टाइप का कुछ चाहिए था। सो आई डोंट थिंक से इसके साथ कम्प्लीटली जा रहा है। ये भी अच्छा लग रहा है, नो डाउट, यू कैन लिटरली सी के कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है इसके साथ, बट आई थिंक सो मैं इसके साथ कुछ और लूंगी रादर देन दिस वन। बट ये टॉप बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप इसमें ना अगर आप ये वाला टॉप ऑर्डर कर रहे हो तो अपना जो साइज है ना उससे एक साइज छोटा ऑर्डर मत करना, जो आपका साइज है वही करना, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा फिटेड है। एज यू गाइस कैन सी लाइक ये कम्प्लीटली ना फिटेड है, तो आपको इसलिए अपना साइज ही ऑर्डर करना है, इसमें एक साइज छोटा ऑर्डर मत करना। एंड ऑल्सो इसके पीछे क्योंकि ये नेट टाइप है, मतलब स्मोक टाइप है, तो बिल्कुल फिटेड टाइप का हो जाता है एंड बहुत ज्यादा क्रॉप है, तो इसके साथ आपको कुछ हाई वेस्ट ही डालना पड़ेगा। सो आई लाइक दिस टॉप, लाइक जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन थी मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, बट या इट्स काइंड ऑफ ओके। लेकिन मैं इसको इसके साथ पेयर नहीं करूंगी, आई पेयर इट विद ऑब्वियसली समथिंग एल्स। सबसे पहले मैं सिर्फ ना टी शर्ट की बात करती हूँ। ये इस टाइप का बॉडी सूट है, यहाँ पे आपको इस टाइप के बकल्स मिल रहे हैं जो आपको पीछे वाले के साथ अटैच करने पड़ेंगे। This is by far the best thing I have got from Urbanic. The stuff is like so good. You can literally see. देखने से ही आपको पता चल रहा होगा stuff कितना ज्यादा amazing है. The neck is so good. Like you can see, बिल्कुल perfect neck है. स्लीव लेंथ बिल्कुल अमेजिंग है, कहीं से कोई कपड़ा नहीं निकल रहा है. एंड इफ यू गाइज वॉन्ट, आप इसको ना नॉर्मली इस तरीके से फोल्ड भी कर सकते हो, अगर आपको इसको इन नहीं करना है, आपको इसको एज अ बॉडी सूट वेयर नहीं करना है, तो यू कैन सी बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने कुछ यू नो फोल्ड फोल्ड कर रखा है, बिल्कुल अमेजिंग लग रहा है। बट इफ यू वांट, आप इसको इस तरीके से नीचे टाई कर सकते हो, उससे होता क्या है ना कि आपका जो टॉप है बिल्कुल भी वो बाहर नहीं आता है। सो अब मैं इसको आपको पेयर करके दिखाती हूँ, जो मैंने एक्चुअल में इसके साथ जीन्स बाय करी थी। दिस इज हाउ द जीन्स इज लुकिंग। यू कैन क्लियरली सी कि पूरा पेयर साथ में कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है। यहाँ पे आपको यू नो इस तरीके की हाई वेस्टेड जीन्स मिल जाती हैं। मुझे थोड़ी सी लूज है, सो आई थिंक मुझे प्रॉबेबली इसको या तो इस तरीके से टाइट करवाना पड़ेगा कुछ इस टाइप से, या फिर मुझे इस तरह बेल्ट वेयर करनी पड़ेगी। अदरवाइज यहाँ पे इसका टॉप बिल्कुल अमेजिंग लग रहा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा। जो यहाँ पे आपको पॉकेट लेंथ मिल रही है, बहुत ज्यादा लंबी नहीं है। यहाँ पे आपको इस तरीके की ऊपर थोड़ा बहुत सेमी रग्ड मिल रहा है एंड नीचे से यू कैन सी जीन्स जो है वो पूरी इस तरीके की रग्ड है। मैं आपको दूर से दिखाती हूँ। दिस इज हाउ द जीन्स इज लुकिंग। बहुत ही ज्यादा प्यारी जीन्स लग रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यू आर नॉट कम्फर्टेबल एक्चुअली इस टाइप का कुछ रग डालने में, तो आई डोंट थिंक सो आपको ये जीन्स अच्छी लगी है, बट अगर आप डाल सकते हो ना, दिस इज गोइंग टू लुक सुपर क्यूट। ये पेयर मुझे इतना ज्यादा अमेजिंग लगा। अगेन मैं इसकी भी पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी, जो मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड करी थी। सो आई टोटली लव दिस आउटफिट। जो टी शर्ट का फिट है, यू कैन लिटरली सी ये स्टमक से कितना अमेजिंगली फिट हो रहा है। लाइक यू गाइज कैन क्लियरली सी,
बहुत ही अमेजिंगली यहाँ से फिट हो रहा है. जीन्स बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है. जो जीन्स है वो स्ट्रेचेबल नहीं है, सो डू स्टिक टू योर साइज. अपने साइज के अकॉर्डिंग ही आप ऑर्डर करना जो भी आपको ऑर्डर करना है. सो दिस इज हाउ द आउटफिट इज लुकिंग. या गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आपको ये हॉल अच्छा लगा होगा. एंड अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो लाइक, शेयर विद फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल. मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको इनमें से कौन सी चीज अच्छी लगी. एंड मैंने सारा प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया कि मुझे किस चीज में क्या कमी लगी है, बिकॉज सारे कपड़े ऐसे नहीं आए हैं बिल्कुल मेरी अप टू द एक्सपेक्टेशंस के मार्क के अकॉर्डिंग. थोड़ा बहुत हर किसी में कुछ ना कुछ कमी थी, विच आई थिंक आई हैव कम्प्लीटली कवर्ड. एंड मेरे बाल बिल्कुल मेस्ड अप हो चुके हैं, बट दैट इज लाइक कम्प्लीटली फाइन. सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय.